तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बाहर से उसकी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। ना देख सकते काफी खूबसूरत मॉल है। तो ये है ना कचौड़ी प्याज। अब मैं अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, नगर शरीफ के अंदर आ चुका हूँ, और उस दिन से ज्यादा भीड़ आज आपको देखने को मिलेगी। कैमरा है, मोबाइल नहीं। तो कैसे दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज की ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ अजमेर शरीफ दरगाह, और आपको मैं दिखाया था पिछले ब्लॉग में, मैं जब यहाँ पे आया था ना उस टाइम आपको दिखाया था। ये मेरी अजमेर की लास्ट सीरीज होने वाली है, तो चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। आज की मार्केट वगैरह भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, जो दरगाह के बाहर जो मार्केट है ना वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, जहाँ पे फातिया वगैरह का सामान, मीठा और क्या क्या चीज़ मिलती है यहाँ पे खाने पीने का, वो मैं पूरा आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। बने रहे ब्लॉग में। स्टेशन के बाहर निकल गया हूँ, रोड के बाहर। मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ, बहुत बड़ा मॉल है। मॉल के अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बाहर से उसकी झलक मैं आपको दिखाऊंगा। ना देख सकते काफी खूबसूरत मॉल है, और इसकी बनावटी देख सकते डिजाइन, ये देख सकते, ये एक मॉल है, ठीक है, अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से मैं आपको दिखा रहा चल मॉल है, ठीक है, देख सकते काफी खूबसूरत मॉल है। ये मॉल के मैं अंदर नहीं गया, बाहर से सिर्फ दिखा दिया। ये है ना अजमेर स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, उसके जस्ट थोड़ा सा बाहर में है। दोस्तों मैं स्टेशन के बाहर ना नाश्ता कर रहा हूँ, तो और अजमेर की जो ना सबसे फेमस कचौड़ी वो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये है ना कचौड़ी प्याज। अब ये देख सकते हैं दुकान है। ऐसा है ना कि मैं राजस्थान में आया हूँ अजमेर, तो आपको खाने पीने का चीजें नहीं दिखाया था, इसलिए मैं थोड़ा नाश्ता कर रहा था, तो मैं आपको दिखा दिया था। और ये राजस्थान की ना अजमेर की सबसे फेमस और बहुत ही टेस्टी है, अच्छा लगा होगा, क्योंकि कचौड़ी प्याज कभी खाया नहीं था। ठीक है, और ये देख सकते हैं प्याज कचौड़ी जलेबी लस्सी। अभी आओ स्टेशन अजमेर, तो जरूर टेस्ट करना, बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ दरगाह शरीफ के पास, और यहाँ की मार्केट मैंने आपको नहीं दिखाया था, और यहाँ पे मिठाई वगैरह जो भी मिलती वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो आज मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे, और जो यह दरगाह के बाहर ना जो मिठाई जा सबसे ज्यादा फेमस है, जो चलती है, वो मिठाई मैं दिखाऊंगा। दरवाजा कहते हो सामने में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब मिठाई की दुकानें वगैरह है, देख सकते हो सामने में, और इधर कपड़े वगैरह के दुकान है, ठीक है। और मेरी आज अजमेर की लास्ट है, इंशाल्लाह फिर दोबारा आऊंगा अगर मौका मिले था, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको मार्केट वगैरह भी दिखा दूँ, ताकि आपको दरगाह के बाहर क्या क्या चीज मिलती है आपको पता चले, आपको कहीं दूर ना जाना पड़े। आप दरगाह के नजदीक आओगे तो आपको दूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, देख सकते ये है ना बुलंद दरवाजा, मैंने आपको दिखाया था। तो लास्ट की ये मेरी दरगाह की ब्लॉग है, इस बार की सीरीज खत्म। दरगाह शरीफ के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, दरगाह शरीफ के अंदर आ चुका हूँ, और उस दिन से ज्यादा भीड़ आज आपको देखने को मिलेगी। कैमरा है, मोबाइल नहीं। उनसे ना आज थोड़ा ज्यादा भीड़ देखने को, उस दिन थोड़ा बारिश हो रहा था ना, इसलिए भीड़ नहीं था। दरगाह के दूसरा गेट के पास मैं पहुंच गया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दूसरी गेट है। बाहर से आओगे ना तो आपको तीन गेट दिखेगा ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पे जाने के लिए, तो मैं आपको यहाँ से दिखाया था, लेकिन एक बार और दिखा देता हूँ। तो सामने आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे जो ना लंगर का खाना वहीं पर बनता है, जो दुनिया के सबसे बड़ा डेग है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर के मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, और वो आपको सामने दिख रहा ना, देख सकते हैं, उस दिन मैं आया था तो शाम हो गया था, लाइट उठ नहीं जला था, देख सकते काफी खूबसूरत लाइट जल जल गया, और यहाँ पे वजू खाना है, देख सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक है। यहाँ से उस दिन दिखाया था, और उस दिन बारिश भी हुआ था, तो काफी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठ के दुआएं फातिया वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शाह मस्जिद है यहाँ पे, और ये जो दरगाह शरीफ का रोजा दिखता है ना, देख सकते हैं। अगर दरगाह में यहाँ कोई आ गया, ठीक है,
तो उसको फातिया वगैरह मीठा वगैरह लेना है, तो उधर महंगा थोड़ा बताएगा। तो यहाँ पे आप, आपके दुकान का नाम इधर क्या आओ, सब तरीके का मिल जाएगा, सलीम भाई पालनपुर मेन गेट के नीचे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हर किस्म के मिठाई मिल रही है, आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये दरगाह जो है ना, दरगाह से जस्ट थोड़ा सा आगे में आप आओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसको क्या कोयले के ऊपर रखा जाता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल दे कोयले पे। हाँ, कोयले पे डालो, इसको भी कोयले पे डालना पड़ेगा। बाकी इसको आज आपको ना राजस्थानी खाना दिखाऊंगा, जो जो मैंने ऑर्डर किया है गुजराती थाली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। ये सब्जी है, दाल है, ये भी सब्जी है, रोटी है, इधर चावल भी है और कांदा मिर्च। शाकाहारी खाना भैया 90 रुपये थाली है, देसी है, और 120 रुपये में VIP थाली देता है। उसके साथ थोड़ा सा कुछ का सब्जी इतना होता है, लेकिन हम लोग 90 रुपये थाली शाकाहारी जब से अजमेर में ये खाते हैं तो काफी अच्छा टेस्टिंग खाना है।